और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दी आपको, एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने की मांग। नीतीश कुमार ने सीएमपी बनाए जाने की मांग की है, सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों को किनारे रखने की बात की है। और सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों को किनारे रखने की बात जो है नीतीश कुमार ने किया है, और नीतीश कुमार ने सीएमपी बनाए जाने की भी मांग की है। और बता दें आपको, ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, और ऐसे में नीतीश कुमार ने सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों को किनारे रखने की बात की है। हालांकि इनके मीटिंग से पहले काफ़ी अटकलें भी लगाई जा रही थी और सियासी गलियारों में जो है हलचल तेज हो गई थी, लेकिन मुलाकात के बाद जो है सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में है। एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने की मांग की है और नीतीश कुमार ने सीएमपी बनाए जाने की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों को किनारे रखने की बात की है नीतीश कुमार ने, इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट है उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से नीतीश कुमार की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, इसके बाद कई अटकलें जो हैं, कई मायने जो हैं इस मुलाकात के लगाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री से सीधी बात की है। सीए और एनआरसी को दूर रखने की बात की है, वहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी नरेंद्र मोदी को कहा है कि इसको लेकर भी बात की जाए। हालाँकि अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो फिलहाल इस पर कुछ ज़्यादा प्रेशर जो है वो नरेंद्र मोदी पर नहीं दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन कुछ मुद्दे जो ऐसे थे इसको लेकर पहले भी नीतीश कुमार सजग थे, जैसे सीए को लेकर एनआरसी को लेकर, ये दोनों ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल इससे बचने के लिए, क्योंकि इस बार की जो गठबंधन की सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी का सबक ज़रूर था, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की इस बार कह सकते हैं कि सांसदों में जो उछाल आया और खासकर उत्तर प्रदेश में, ये एक चिंता का विषय ज़रूर था। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने एक सलाह जो है वो देश के प्रधानमंत्री को दी है और साफ कहा है कि सीए और एनआरसी जो है एक बड़ा मुद्दा है, इसे फिलहाल दूर रखा जाए, वहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए और इसके तहत आने वाले समय में काम होना चाहिए। वहीं अगर नैना मंत्रिमंडल की बात की जाए तो कई ऐसे मंत्रिमंडल हैं जो केंद्र के नीतीश कुमार ने खुद संभाले हैं। समता पार्टी के वक्त कह सकते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस के पास रक्षा मंत्रालय था, वहीं अगर बात की जाए बाद में तो नीतीश कुमार ने खुद रेल मंत्रालय भी रखा और कृषि मंत्री भी देश के नीतीश कुमार रहे हैं। तो ये दो ऐसी मंत्रालय हैं, ऐसे मंत्रालय हैं जिस पर नीतीश कुमार दावा कर सकते हैं। रेल मंत्रालय हालांकि पहले भी बिहार के कई नेताओं के पास रहा है, चाहे खुद नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव हो, दोनों नेताओं के पास रेल मंत्रालय भी रहा है। तो इस बार ये उम्मीद जरूर है कि नीतीश कुमार रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जो है वो ले सकते हैं। हाँ, ऐसे में उत्कर्ष, कल मीटिंग से पहले तमाम अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी और जो कयासों की भी सियासी गलियारों में भी कई कयासे लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसे में मीटिंग से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, इस दौरान कई शर्त भी रख सकते हैं, लेकिन इस बैठक के बाद ऐसे सामने आ रहा है कि कोई भी शर्त नहीं रखा है। तो क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या बिना किसी शर्त के ही नीतीश कुमार मान गए? अब बिल्कुल नैना, देखिए अगर नीतीश कुमार के संदर्भ में कहा जाए तो नीतीश कुमार को जब भी लोग सोचते हैं कि उन्हें समझ गए हैं तभी नीतीश कुमार समझ से परे हो जाते हैं। नीतीश कुमार लगातार ये बात नीतीश कुमार को लेकर कही जा रही थी कि नीतीश कुमार क्या या तो गठबंधन बदल सकते हैं या फिर एक बड़ी मार्जिन जो है वो, या कह सकते हैं कि बड़ा डिमांड जो है वो कर सकते हैं। डिमांड के तौर पर दो कह सकते हैं कि कैबिनेट रैंक की मंत्रालय और एक MOS रैंक का जो मंत्रालय है वो मांग सकते हैं, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर कुछ भी बातें नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से नहीं की, केवल कई मुद्दे ऐसे रहे, या तो सीए को लेकर बात हो या फिर एनआरसी को लेकर बात हो, इन दोनों मुद्दे पर नीतीश कुमार काफी सजग नजर आए, प्रधानमंत्री से विशेष चर्चा भी की। लेकिन अगर मंत्रालय की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने कोई कह सकते हैं कि विरोध नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार के एक ही मंत्री कुछ ही सालों के लिए जो है वो मंत्रालय में भी रहे। ठीक है, वैसे भी सबकी नजरें जो है इसी पे टिकी हुई है कि क्या कुछ होता है आगे, और ये भी अहम होगा देखना कि आगे जो है वो नीतीश कुमार का क्या कुछ रुख होता है।